हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो सीआरपीसी का सेक्शन 173 है। जो सीआरपीसी का सेक्शन 173 है वो बेसिकली डील करता है चार शीट से, जिसे हम पुलिस चालान भी कहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू यही समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप लोग नए हैं या आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक व्यू बहुत काउंट करता है मेरे लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सीआरपीसी का सेक्शन 173 कहता है चार्जशीट से रिलेटेड। चार्जशीट क्या होती है इसको हम बताते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाता है, उसको जाके FIR दर्ज कराता है और FIR दर्ज होने के बाद पुलिस को एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन देता है या कोर्ट से 156(3) में जाके FIR दर्ज करवाता है, तो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बेसिकली FIR में जो होती है, इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक पन्ने की होती है, बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन होती है। अब जो भी आरोप अपनी FIR में आप जाके लगाते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, तो पुलिस को उस मामले की जाँच करनी होगी, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को इसीलिए नियुक्त किया जाता है कि उस मामले की जाँच करें। पुलिस जाएगी, उस मामले की जाँच करेगी, सारी डिटेल्स जो भी आपने FIR में लिखाई है उनको उनके फेवर में या अगेंस्ट में एविडेंसेस कलेक्ट करेगी। जिन जिन आरोपियों का आपने नाम लिखा है उनके कैरेक्टर्स के बारे में, उनके ऊपर कोई पहले से प्रीवियस केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उन्होंने अगर कोई जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस की, अगर जो आरोपियों के ऊपर आरोप आपने लगाए हैं, क्या उनके पास कोई हथियार मिला है या कोई ऐसा आर्टिकल मिला है जो उन पर आरोप साबित करता है, कोई घटना घटी है तो कहाँ पर घटी है, किस तारीख को घटी है, क्या क्या वेपन उसमें यूज हुए, कौन सा सामान उसमें यूज हुआ है, अगर कोई बंदा गिरफ्तार किया गया है तो वो जेल में कब से है, कितने दिनों से है, और जो भी मतलब ऑफेंस के अगेंस्ट में या फेवर में एविडेंसेस पुलिस कलेक्ट करेगी उनका सारा विवरण चार्जशीट में देगी। मतलब डिटेल में सारी की सारी चीजें पुलिस चार्जशीट में लिखेगी। जैसे किसी का स्टेटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, उसके प्रो और कॉन्स क्या है, उस सारा विवरण पुलिस जो है चार्जशीट में लिखेगी। अब चार्जशीट में पुलिस सारा विवरण देखने के बाद ये ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करेगी, उसमें अपनी चार्जशीट मेंशन करेगी कि एविडेंसेस अप्रोप्रिएट है या नहीं है, कि केस चलाया जाए या ना चलाया जाए, लेकिन दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। उसमें ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करती है कि इस मामले में कौन कौन से जो है चार्जेस लगेंगे या कौन कौन से चार्जेस नहीं लगेंगे, किन चार्जेस को एड ऑन करना है या किन चार्जेस को, किन सेक्शंस को लाना है, हटाना है, ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी। तो आई होप इस तरीके से हमें क्लियर हो गया कि चार्जशीट क्या होती है। चार्जशीट बेसिकली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी आफ्टर FIR जो पुलिस द्वारा कोर्ट में सबमिट की जाएगी, उन सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंसेस, सारे स्टेटमेंट्स के बारे में जो किसी ने किसी पर आरोप लगाए हैं, उसका पूरा ब्यौरेवार स्टेटमेंट पुलिस लिखित रूप से ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करेगी, वही चार्जशीट होगी जिसको हम लोग पुलिस चालान भी कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।